गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दारू के शौकीन। आज हम आपके लिए एक और बियर लेके आए हैं जिसका नाम है कि आज हम आपके लिए एक बीरा व्हाइट लेके आए हैं। बीरा व्हाइट बियर, ये भी एक बिट बियर है लो बिटरनेस के साथ, ऐसा कंपनी कहती है। बाकी बात करते हैं इसकी ओर। ये लॉन्च हुई 2015 में, वीट बियर 2015 में लॉन्च हुई बीरा के थ्रू। व्हाइट बहुत फेमस ब्रांड है मार्केट में, अच्छा खासा फेमस है। इसने अच्छी पकड़ बनाई हुई है बियर ने मार्केट के अंदर। आज हम पाइंट लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए, रिव्यू करने के लिए। इसके ओनर का नाम है अंकुर जैन, जैसे बाकी वीडियो में भी बताया हुआ है मैंने आपको बीरा की। और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो B9 बेवरेजेस सेम। इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, 330 ml का जो ये पाइंट है ये मुझे दिल्ली में मिला 115 रुपए का। और जो इसके अंदर अल्कोहल है वो है 5%, मतलब एक लाइट बियर है ये अल्कोहल लेवल के हिसाब से। अच्छी बियर है अभी तक। बोतल आप देख सकते हैं, अच्छी खासी है इसकी, लाइट कलर है बोतल का। और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जो स्पेशल इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज किए गए हैं वो मैं बताता हूं आपको। स्पाइसेस हैं कोरिएंडर, ऑरेंज पील, बार्ले मॉल्ट, हॉप्स, ईस्ट और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर और एक्स्ट्रा पंच के लिए, अल्कोहल के एक्स्ट्रा पंच के लिए एथिल अल्कोहल। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको फटाफट ये बॉटल ओपन करके इसका कलर दिखाएंगे, ग्लास में पोर करके फिर नोज करेंगे, नोट्स बताएंगे आपको इसके और साथ में टेस्ट करके बताएंगे। करते हैं ओपन। ये मैंने अच्छी खासी चिल की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा चिल हो रहा है। फ्रॉथ देखने के लिए अच्छे से पोर करूंगा, मैंने ज्यादा नहीं पोर करी है क्योंकि एक लाइट बियर है, इसमें इतना फोम आएगा नहीं, फ्रॉथ बनेगा नहीं। कलर काफी अच्छा है, लाइट जूस जैसा कलर है इसका। फ्रॉथ ज्यादा नहीं बना, बबल्स छोटे छोटे हैं बट अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। एक काम करते हैं फटाफट इसे नोज करते हैं, आपको नोट्स बताते हैं कि कैसे नोट्स हैं इसके। सबसे पहले ऑरेंज पील वो फील हो रहा है, कोई अल्कोहल फील नहीं हुआ, हल्का सा कोरिएंडर इफेक्ट फील हुआ है। एक काम करते हैं टेस्ट करके बताते हैं कि प्रॉपर टेस्ट इसका कैसा है, एक लाइट बियर है तो कैसा टेस्ट आ रहा है इसका, देखते हैं। प्रॉपर ऑरेंज का फील आ रहा है, मतलब इसके अंदर जो ऑरेंज इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं किया है। टेस्ट के मामले में ऑरेंज ज्यादा फील हो रहा है, अच्छी बात है। मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली बियर पी है और एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक टेस्ट और सिप लेके देखता हूँ, फिर देखते हैं और टेस्ट भी आते हैं बाकी को, रेंडर वगैरह के फील होता है कि नहीं। कोरिएंडर का फील है इसमें बट ऑरेंज बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको पीते टाइम कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि आप बियर पी रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं जिसमें अल्कोहल डला हुआ है, मतलब एक कॉकटेल। अच्छा रिफ्रेशिंग टेस्ट है इसका, आंखें खुल जाती है पीने के बाद। इसे पीने के टाइम पे एक ही फील आता है, खट्टी बियर। मतलब मैं कोई इंसर्ट नहीं कर रहा बियर की, मैं सिर्फ टेस्ट बता रहा हूं आपको कि इसकी, इसका एक सिप लेते ही ना आपको फील होगा खट्टापन, मतलब ये खट्टे ऑरेंज से बनी हुई है, ऐसा अरोमा है इसका। टेस्ट बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग, पसंद आया मुझे। मेरी तरफ से इस बियर के लिए थम्स अप है, बाकी आप लोग अपने रिव्यूज बताइए। मेरे हिसाब से तो इस बियर के बारे में इतना ही है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, मे बी किसी नई बियर के साथ। जब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए, गुस्सा आया तो गुस्सा दिखाइए, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि उसमें क्या अच्छा लगा आपको। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।